परिवार पाकिस्तान से कब आया? देखिए, परिवार विभाजन के समय आया था, और विभाजन के बाद कुछ भगवान की मूर्तियां वहाँ रह गई थी, तो वो गए थे, वो वापस फिर नहीं आए। तो इसी पीड़ा, तब से मैं पीड़ा में, मेरा जन्म यहीं हुआ, लेकिन हमारे पिताजी, हमारा पूरा परिवार पाकिस्तान से था, उन्होंने ये सब झेला है वहाँ पर, तो इसीलिए उनकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ उसको। ये अभी आपने एक ट्रस्ट बनाने की मांग की, एक बोर्ड बनाने की मांग की, जो कि नहीं, देखिए मैंने ये बात कही है कि हम जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसे लोग जो परेशान हैं, जो वहाँ से होके आए, तो मूलभूत तो उनको नागरिकता देना है, लेकिन इसके बाद उनकी जिस प्रकार से वो रह रहे हैं, हमने दिल्ली में देखा किस प्रकार से वो रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनकी मूलभूत सुविधा देने के लिए उनकी तरफ से डिमांड है, और वो डिमांड हम सरकार के सामने रखेंगे कि इनके वेलफेयर के लिए कुछ होना चाहिए। आप बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जो लगातार ऐसे सरकारी कार्यक्रमों की नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे इंदौर में क्या संख्या होगी, मध्य प्रदेश में क्या संख्या होगी? देखिए, इंदौर में लगभग 4,000 ऐसी संख्या जिनको नागरिकता मिलना चाहिए, और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 ऐसी संख्या जिनको नागरिकता मिलनी चाहिए, और वो वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको नागरिकता मिले। अब माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो बिल पास हुआ है, उसके कारण उनको नागरिकता मिलने में सरलता हो जाएगी। बस अब कानून बन गया, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, उसके नियम बनेंगे, मुझे लगता है जैसे ही नियम बन जाएंगे, शीघ्र ही नागरिकता मिलने में प्रारंभ हो जाएगी, और ये उनके लिए एक नया सवेरा रहेगा।